दसवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और ये इसका प्रांत बता दिया है कि एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे तो कोई भी महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर सतत नहीं होता है और सतत नहीं है तो फिर अवकलनीय होने का सवाल ही नहीं होता। हम भाषा भी लिख सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता की जांच तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 ओवर माइनस एच यानी लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ वन माइनस एच। मतलब पूर्णांक से अगर थोड़ा भी कम कर दें तो पिछले पूर्णांक पर ये मान पहुंच जाएगा। तो वन से पिछला पूर्णांक जो है वो 0 है तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। माइनस एफ वन का मान 1 ही होता है बटे माइनस एच। मतलब ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 ओवर एच आया। जब एच टेंड 0 करेगा तो ये लगभग इनफाइनाइट को ट्रेंड करेगा, मतलब अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाएगी। समीकरण एक। अब आर एच डी यानी कि आर एफ डैश एट एक्स इक्वल टू 1 यानी लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 ओवर एच बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 और 1 प्लस एच। जैसे मैं मालूम है 1.2 आया तो इसका मान भी बन जाता है और यहाँ तो पॉइंट में कोई भी आए अगर पॉजिटिव है तो यही पिछला वाला पूर्णांक आता है, तो चूंकि पॉजिटिव है दोनों इसलिए पिछला पूर्णांक यानी 1 ही आएगा माइनस एफ 1। हमें मालूम है महत्तम पूर्णांक फलन में अगर कोई इंटीजर इनपुट होता है तो इसका मान वही आता है तो ये 0.h यानी कि 0 आएगा यानी आर एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1 ये 0 आया। ये दोनों ही बराबर नहीं है इसलिए एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि एल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश एट 1, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। नहीं है। अब हम x बराबर 2 पर देखते हैं अवकलनीयता की जांच करते हैं इसकी। अवकलनीयता की जांच तो लेफ्ट हैंड
derivative, यानी एल एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू टू, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू ओवर माइनस एच. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे. यहाँ पर हमने इसे लिखा नहीं है, एक लाइन कम है, तो हम यहाँ लिख सकते थे लिमिट एच टेंस टू जीरो इस तरीके से, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता. यहाँ भी लिखना चाहिए था लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये यहाँ लिख रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच माइनस वन ओवर एच, तब ये सही रहता है. यहाँ लिख रहे हैं इसी तरीके से वहां हो सकता है ओवर माइनस एच. अब टू माइनस एच हुआ तो वन आ जाएगा ये, क्योंकि पूर्णांक से अगर थोड़ा भी कम हुआ तो पिछले पूर्णांक पे जाता है. तो हम यहाँ लिखेंगे टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ये वन माइनस टू ओवर माइनस एच, यानी ये माइनस वन ओवर माइनस एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बटे एच, और ये ट्रेंड करेगी इनफाइनाइट को जब ये एच टेंस टू जीरो होगा, यानी एल एफ टेंस टू. ऐसे ही हम राइट एंड डेरिवेटिव यानी आर एफ डैश टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू ओवर एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन ऑफ टू. अब टू प्लस एच है तो वही रहेगा, माइनस होगा तो पिछले पूर्णांक पे, प्लस होता है तो वही रहेगा. ये ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन की खूबी है. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये टू रहेगा, टू माइनस टू ओवर एच ये जीरो हो जाएगा, मतलब आर एफ डैश टू बराबर क्या आएगा जीरो. फिर से समीकरण एक दो कर लेते हैं या तीन चार कर लेते हैं, एक दो हो चुके थे. तो एल एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश टू, अतः फलन एक्स बराबर दो पर अवकलनीय नहीं है. इस प्रकार फलन x बराबर वन या x बराबर दो पर फलन अवकलनीय नहीं है, जो कि हमें सिद्ध करना था x बराबर वन और x बराबर दो पर. पहले भी हमने पता कर लिया था कि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं होता है, यहाँ तक कि सतत भी नहीं होता, और सतत नहीं होगा तो अवकलनीय हो ही नहीं सकता.